जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है? ये देखने से पहले हम देखते हैं पावर्स, टू की पावर जीरो ये वन क्यों होता है। ठीक है, हम देखते हैं, टू की पावर वन हमारे पास टू होता है, टू की पावर टू हमारे पास फोर होता है, टू की पावर थ्री एट होता है, मतलब टू को तीन बार मल्टीप्लाई कर दिया, टू की पावर फोर सिक्सटीन, टू को चार बार मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जैसे जैसे हम पावर्स इंक्रीज करेंगे ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। अब हम ठीक इसका रिवर्स करते हैं, टू की पावर फोर से अगर टू की पावर थ्री चाहिए तो मैं डिवाइड बाई टू करता हूँ, ठीक, एट से हमें फोर चाहिए वापस से डिवाइड बाई टू करता हूँ, टू की पावर मिल जाएगी, इसको वापस डिवाइड बाई टू कर दूंगा तो टू मिल जाएगा, और इससे वापस डिवाइड बाई टू कर दूंगा तो टू की पावर जीरो वन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ जीरो फैक्टोरियल वन क्या होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर, वन फैक्टोरियल वन होता है, टू फैक्टोरियल टू इंटू वन टू होता है, थ्री फैक्टोरियल थ्री इंटू टू इंटू वन सिक्स होता है, फोर फैक्टोरियल फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ट्वेंटी फोर होता है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, सो ऑन। ठीक है, अब मैं इसको वापस से रिवर्स करता हूँ, अब मुझे फोर फैक्टोरियल से थ्री फैक्टोरियल चाहिए तो मैं इसे डिवाइड बाय फोर कर देता हूँ, मुझे थ्री फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल चाहिए मैं इसे डिवाइड बाय थ्री कर देता हूँ, मुझे टू फैक्टोरियल से वन फैक्टोरियल चाहिए मैं इसे डिवाइड बाय टू कर देता हूँ, और अब जब मैं इसे डिवाइड बाय वन कर दूंगा तो मुझे जीरो फैक्टोरियल मिल जाएगा जो कि वन ही आएगा।